हाय, मैं हूँ अर्जुन बिजलानी और मेरे किरदार का नाम इश्क में मरजावां में है दीप रायचंद। एंड हाय, मैं हूँ आलिशा पनवर और इस शो में मेरा किरदार का नाम है आरोही कश्यप। यही तो असली मजा है इस शो की का। कड़ी है। इसके हाथ में हथकड़ी है। या और सिर्फ मेरे लड़की के ही हाथ में हथकड़ी नहीं है, एक प्रोमो में आप देखेंगे दीप के हाथ में भी हथकड़ी है। या सो वो हमारी टैगलाइन है कि इश्क प्यार ने वो किया मेरे साथ कि दुनिया का भरोसा उठ जाएगा प्यार से आज के बाद। करेक्ट। सो ऐसा क्या करते हैं हम एक दूसरे के साथ जिसके वजह से हम ये कह रहे हैं, यही हमारी कहानी है। और बहुत इट्स अ डिसेप्टिव लव स्टोरी ऑफ दीप आरोही एंड देयर लव फॉर ईच अदर विच इज़ अनकंडीशनल एंड दे लैंड अप इन अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस, यू नो। Of course, this character Arohi is a very strong character और टी वी में इस तरह का character बहुत बहुत मुश्किल से करने को मिलता है। आई थिंक अभी तक टी वी में ऐसा कोई character आया ही नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा, किसी ने किया ही नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ सो, मतलब दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड सो लवली। अलग अलग शेड्स हैं इस कैरेक्टर के, आप जब भी देखेंगे एपिसोड के एंड में यू विल ऑलवेज बी सिटिंग विद अ क्वेश्चन मार्क कि अभी आरोही ने ऐसा क्यों किया, अब नेक्स्ट में ये क्या करेगी। सो देर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि हर एक नए एपिसोड में आपको एक नया अनफोल्ड मिलेगा आरोही के कैरेक्टर में। रियली लाइक शी सेड फॉर मी टू चूज द शो वॉज बिकॉज जितने मैंने अभी तक बहुत सारे रोमांटिक यू नो शोज़ किए, बट ये वाला जो रोमांस था जब मैंने सुना तो मैं दो मिनट तो आई वॉज शॉक्ड कि वेदर सच अ थिंग, आई डोंट नो हाउ ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट, दे वॉन्ट एक्सेप्ट इट। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट इज़ अ चैलेंज, इट्स नॉट ईजी टू पुल ऑफ अ कैरेक्टर लाइक दैट एंड हैविंग अ यू नो दैट टिपिकल रोमांटिक काइंड ऑफ इमेज। बट आई यू नो आई थिंक किसी भी एक्टर को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आके काम ज़रूर करना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं था कि पहले वाले शोज में मैं अपने कम्फर्ट जोन में, लेकिन कर करके कम्फर्ट जोन क्रिएट हो गया था तो मुझे उससे बाहर निकलना था। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड दिस शो गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी, यश एंड ममता गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी। तो व्हेन दे नरेटेड मी द स्टोरी आई वॉज लाइक मैं ये कर रहा हूँ, क्यों वो आप प्लीज़ शो देखिए। That is one more. Usually such a show would have come at say a 9:30, 10, 10:30. But again that is a challenge in itself. It's coming at 7:30. इसके पहले आई थिंक ससुराल सिमर का आता था इस स्लॉट पर, जिसकी अपनी एक बहुत ही कमाल की ऑडियंस रही है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस शो को। और सो वी आर जस्ट होपिंग कि वी गेट दैट ऑडियंस एंड दे लव आर शो टू, और हम दोनों को भी उतना ही प्यार दें जितना उन्होंने सिमर को दिया था। क्योंकि आपने अभी तक उस शो में जो देखा, इस शो में हम आपको और कुछ दे रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। तो आई थिंक एक बार यू शुड ट्राई वॉचिंग दिस एंड आपको पसंद आएगा। क्रीम है, ट्राई करेंगे, देखने बोलना। आई मीन देखिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, मतलब देखिए। ऐसे कौन बोलता है यार, मैं बोलती हूँ ना। I don't think so. It's not a supernatural show. it's a thriller. It's a story of love and betrayal. It is, the story is a little edgier and bolder than usual. And I'm sure ki I don't know whether I should say I'm sure or no, but मुझे ऐसा लगता है कि यार लोगों को आके ये कहानी ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत मतलब आपने शायद ऐसा टीवी पर नहीं देखा हो, तो एक एक्सपीरियंस टू वॉच अ डिफरेंट स्टोरी एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू नो आपको प्यार में धोखा मिलता है, और ऐसा धोखा कि यू नो देयर इज नो कम बैक फ्रॉम इट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं ऑडियंस से ये कहूँगी कि हमारा शो आ रहा है 20th सितंबर से, विच इज़ वेनसडे, कलर्स टीवी पे इश्क में मरजावां। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा शाम 7:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। और मैं टेली बाइट्स के सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि
कि प्लीज़ डू अच्छा शो एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल द लव ओवर द ईयर्स. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शो में भी आप मुझे उतना ही प्यार देंगे और मेरे किरदार को यू नो प्लीज़ वॉच इट एज अ कैरेक्टर एंड या थैंक्स थैंक यू.